अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फैशन टिप्स और ट्रिक्स जो आप यूज़ करके, जिनको फॉलो करने के बाद आपकी लुक बहुत ज़्यादा पॉलिश लगेगी, प्लस जो है आप वेल ग्रूम्ड भी नज़र आएंगे। तो जी, वो जो टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनमें सबसे पहली और नंबर वन जो टिप हमारे पास आती है, लाइक अगर आपको कहीं जाना हो, किसी इवेंट पे, किसी फंक्शन पे आपको जाना हो, या कहीं भी आपको गेट टुगेदर हो, कहीं भी आपको जो है तैयार होकर जाना हो, तो उस इवेंट से पहले एक रात जो है आप अपना आउटफिट सेलेक्ट कर लें। और जब आप आउटफिट सेलेक्ट करें तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि वो अच्छे से प्रेस्ड हो और उसको सही से प्रेस करें, बिकॉज़ अगर आपके जो कपड़े हैं अच्छे से प्रेस्ड नहीं होंगे तो आप कितना भी अच्छा जो है सूट पहन लें, कोई भी डिज़ाइनर आउटफिट पहन लें, उसका जो है लुक एक इन्हेंस जो है नहीं होता, बिल्कुल जो है निकल के नहीं आता। जो भी आप कपड़ा पहने, जो भी चाहे आप कॉटन पहने, फैब्रिक कोई भी हो, लॉन हो या जो है विंटर के अकॉर्डिंग हो, तो आप जो है उसको अच्छे से प्रेस करें। उसकी डिज़ाइन जो है एलिवेट होती है प्रेस करने से। जब भी आप प्रेस करेंगे तो उसके जो है एक लुक जो है बन के आती है, एक लुक निकल के आती है। नेक्स्ट टिप इज़, जब भी आप कोई कपड़े फैशन के अकॉर्डिंग जो है बाय करने जाएं, या जो है आप किसी भी मॉल वगैरह मार्ट में जाएं, तो अच्छे से जो है कपड़ों को चेक कर लें और उनके फैब्रिक, उनकी डिटेलिंग, एक एक चीज़ चेक करने के बाद ही आप बाय करें, ना कि आप जल्दी में, या जो है कोई भी फैब्रिक या जो ड्रेस है वो ऊपर से सही नज़र आ रहा है या आपको उसकी डिज़ाइन अच्छी लग गई है, बस आपने ले लिया जल्दी में ही, तो ये ना करें बिल्कुल। आप जो है जब भी कोई कपड़ा लें तो उसको अच्छे से चेक करें, उसकी साइज़ मेजरमेंट सब चेक करें कि वो आपको फ़िट होगा या नहीं। और इससे भी अच्छा है कि आप ट्राई कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, आप ट्राई करके देख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चीज़ जो है घर तो ले आते हैं, देन घर लाने के बाद पता चलता है इसकी साइज़ फ़िट नहीं है हमें, या इसका फैब्रिक डिफरेंट है, बिकॉज़ लाइटिंग वगैरह में फैब्रिक बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होता है और जब हम घर लाते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा एक सूट है और ये जो है मैंने घर पर स्टिच करवाया था, बस इसका फैब्रिक लिया था और ये लॉन का सूट है, इसके साथ मैंने इसकी मैचिंग लेसेस वगैरह ली थी, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल पड़ते हैं जब हम घर पे ही बनवाते हैं या जो है किसी टेलर से बनवाते हैं। कोई भी अच्छा सा जो है आप डिज़ाइन देख लें प्रिंटरेस्ट से, किसी भी अच्छी सी ऐप या गूगल वगैरह से कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन जो है देख लें, फिर उस तरह का जो है मैचिंग या उस टाइप का जो है कपड़ा वगैरह बाय करके देन उसको अच्छे से स्टिच करवाएं। जो स्टिचिंग हम खुद करवाते हैं वो ज़्यादा जो है ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा टाइम अच्छे से चलती है, बजाय जो हम रेडीमेड लेते हैं उनकी स्टिचिंग भी थोड़ी बहुत जो है हल्की सी होती है, एक ही सिलाई होती है तो वो जल्दी से जो है निकल भी जाती है। बाकी जो है कुछ इंस्पिरेशंस आप जो है कोई मॉल वगैरह विजिट कर लें, कोई जो शॉपिंग प्लेस हो वो विजिट कर लें, उससे जो है काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये है मेरा एक और सूट और ये देख सकते हैं आप लाइलैक कलर में है और लाइलैक कलर आजकल बहुत ट्रेंड में, बहुत अच्छा लगता है, एक रॉयल लुक लगती है, रिच जो है एक लुक आती है लाइलैक कलर से, और उसके साथ जो है वाइट लेसिंग की हुई है, वाइट कलर की लेस लगी हुई है और ये काफ़ी अच्छा लगता है, डिफरेंट लगता है। ये जो है प्रिंटरेस्ट से डिज़ाइंस निकाल के मैं जो है नॉर्मली अपने जो है ड्रेसेस वगैरह जो है बनवाती हूँ, और इस तरह की बारीक सी लेसेस बहुत इन है आजकल, और ये प्रिंट्स सेम प्रिंट के ट्राउज़र और शर्ट तो बहुत इन है, साथ में जो है कोई भी जो है प्लेन दुपट्टा ले लें तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत ट्रेंड में आजकल, और प्लस यूनिवर्सिटी और जो ऑफिस लुक होती हैं उनमें इस तरह के ड्रेसेस बड़े अच्छे लगते हैं। ये एक लॉन्ग ड्रेस विथ जो है प्लाजो है तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, इससे जो है मेरी लुक जो है हाइटेड लगती है और इससे जो है काफ़ी अच्छा डिफरेंट एक लुक आता है मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को। तो जब भी आप कपड़े जो है बनवाएं तो उसमें अपनी क्रिएशन ज़रूर डालें। नेक्स्ट स्टेप इज़ बैग्स, और बैग्स जो है जब भी आप बाय करें बिल्कुल ही जो है ऐसे बैग्स ना बाय करें, इफ़ यू आर कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट या जो है आप वर्किंग लेडी हैं, तो इस तरह के थोड़े बड़े बैग्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं आपके लिए। इनमें स्पेस चेक करें, स्पेस कैसी है, इनके पॉकेट्स कितने हैं, प्लस इनकी स्ट्रैप्स वगैरह का मटेरियल चेक करके देन आप परचेज करें, तो ये आपके जो है बहुत टाइम चल जाते हैं, प्लस जो है आप इनको डिफरेंट ड्रेसेस के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, तो उससे जो है काफ़ी टाइम आपकी जो है डिफरेंट लुक क्रिएट हो जाती हैं, और साथ में जो है ये बैग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं।
ये कुछ इंस्पिरेशंस मेरे बैग्स की हैं, और ये जो बैग्स हैं आप ज़्यादातर देख रहे होंगे ये बड़े बैग्स ही हैं। इनमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, आप बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम कैरी कर सकते हैं। प्लस जो है इनके स्ट्रैप्स और इनकी क्वालिटी वगैरह देखें, और जब भी लें तो इनकी डिज़ाइंस वगैरह देख कर लें। थोड़ी प्लेन टाइप मैं आपको जो है मशवरा दूँगी, प्लेन टाइप लें ताकि उसको जो है फिर जब डस्ट वगैरह लगती है तो साफ़ करने में बहुत ईजी होता है, बजाय ऐसी जो बैग्स जो ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा जो है एम्बेलिशमेंट वाले हों तो उनको साफ़ करने में बड़ी जो है डिफ़िकल्टी होती है। तो इस तरह के सिंपल बैग्स इजीली साफ़ भी हो जाते हैं, प्लस ये नए के नए भी रहते हैं। ये मेरा एक और बैग है और ये मीडियम साइज़ का है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत जो है डिज़ाइनिंग भी हुई है, और ये जो है दोनों इसमें स्ट्रैप्स हैं, लॉन्ग स्ट्रैप्स भी हैं, शॉर्ट स्ट्रैप्स भी हैं, इनको डिफरेंट तरीके से कैरी किया जा सकता है। प्लस जो है ये काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। मैं नहीं बिलीव करती कि बहुत ज़्यादा महंगे और ब्रांडेड जो है पर्स ही लें तभी जो है हमारा एक लुक अच्छा आएगा, वरना नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी लें बैग, चाहे आप अफोर्डेबल लें, सस्ता सा ले लें, बट उसकी डिज़ाइन जो है ट्रेंड वगैरह के हिसाब से देख कर ले लें, या जो है स्पेस देख लें या सिंप्लिसिटी देख लें बैग की ले लें, तो फिर जो है वो कलर्स वगैरह मैच करके बहुत अच्छा लुक क्रिएट करते हैं, प्लस रिच लुक भी देते हैं। नहीं पता चलता कि ये जो है एक्सपेंसिव है या जो है या अफोर्डेबल प्राइस में लिया हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट बारी आती है फुटवेयर की, और जब भी आप कोई फुटवेयर परचेज़ करें तो इस बात का ख्याल रखें कि वो कंफर्टेबल हो, प्लस जो है ड्यूरेबल भी हो, उसका जो मटीरियल वगैरह हो वो ऐसा हो जो काफ़ी टाइम तक चल सके, क्योंकि हम जो है ऐसे जगह पर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए हमें जो ज़्यादा देर चल सके। ऐसे फुटवेयर्स का क्या फ़ायदा जो हम इतने जो है एक्सपेंसिव बाय भी करें, देन जो है उसमें जो है आप ज़्यादा देर जो है टाइम ज़्यादा चला भी ना सकें, वो थोड़े ही टाइम में जो है ख़राब हो जाएं, तो ऐसे तो फिर हमारी मनी जो है बिल्कुल वेस्ट जाती है। तो ऐसे फुटवेयर्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें जो ज़्यादा ड्यूरेबल हों और ज़्यादा टाइम तक चलें। और अगर आपको फुटवेयर किस तरह टाइप के लेने हैं तो 2 से 3 ले लें जो न्यूट कलर्स में हों, जो अगर आप टॉल हाइटेड हैं तो आप जो है फ्लैट्स में इन्वेस्ट करें, सही रहते हैं टॉल हाइटेड गर्ल्स के लिए। और उसके अलावा जो है आजकल फैशन में भी जो है फ्लैट्स हैं तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनमें जो है न्यूट कलर्स ले लें, जैसे ये ब्राउनिश टाइप का है, और लास्ट जो मैंने शो किया था वो पिंक का जो है लाइट पिंक टाइप का कलर था, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं आजकल की ड्रेसेस के साथ। और ये देखें इसका स्टाइल भी थोड़ा सा यूनिक है, ये शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स भी पहन सकती हैं, पैंट्स के ऊपर जो है ट्राउज़र्स के ऊपर जो है इस तरह के वेयर कर लें तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। और प्लस जो है ये आप देख सकते हैं इसमें जो है ब्राउन जो है न्यूट कलर है, तो ये बहुत से मेरे ड्रेसेस के साथ जो है इजीली जो है कैरी कर सकती हूँ मैं इसको। और इस तरह के जो है न्यूट कलर के जो फुटवेयर्स होते हैं ये पैरों को ब्राइट जो है दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है ये वाला शूज़ पेयर है, इसको मैं काफ़ी दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ, ये वाला जो है वेज टाइप का कंफर्टेबल जो है शूज़ है, और ये डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये जो पेयर है ये मैंने तकरीबन 2500 के अराउंड जो है परचेज़ किया था, और ये काफ़ी जो है कंफर्टेबल है, प्लस जो है डेली वेयर में मैं इसको यूज़ करती हूँ तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, और प्लस ये स्टाइलिश भी है, तो ये जो है डिफरेंट आउटफिट्स के साथ जो है बहुत अच्छा लगता है। आप अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो आप जो है इस तरह के शूज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करें, ये वाले जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं डेली यूज़ के लिए भी, और जो है ये कंफर्टेबल भी हैं, तो ज़्यादा चलने के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सही रहते हैं इस तरह के शूज़। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको दूंगी वो है ज्वेलरी के हवाले से, एयररिंग्स में जो है आप मीडियम साइज़ के एयररिंग्स वगैरह भी ले सकते हैं, या जो है चेन प्लस जो है एयररिंग्स वाले सेट्स होते हैं वो बाय कर लें, या जो है आप इस तरह के एयररिंग्स भी बाय कर सकते हैं, इनको डिफरेंट साइज़ में आप कैरी कर सकते हैं और नेक्स्ट जो टिप है इज़ फ्रेगरेंस, और फ्रेगरेंस में आप कोई भी अच्छी सी फ्रेगरेंस जो है एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें, अच्छी सी फ्रेगरेंस बाय कर लें, तो वो परफ्यूम जो है आप डिफरेंट ओकेजन्स पे जो है अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छी रहती है। प्लस जो है जब आप फ्रेगरेंस अप्लाई करते हैं, परफ्यूम्स अप्लाई करते हैं, तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, और आप खुद में ही अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो आप
ओवरऑल आपकी जो लुक है, पर्सनैलिटी है, वो भी ग्रूम्ड लगती है। अगर आप चाहें तो इस तरह के जो बड़ी बॉटल्स होती हैं परफ्यूम्स की, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस तरह की पेन परफ्यूम्स भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही रीज़नेबल रहती हैं, 250-150 के अराउंड जो है ये पेन परफ्यूम्स मिल जाती हैं। इनकी जो है फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। मैंने ये वाली जो है तीनों यूज़ की हुई हैं और ये जो है काफ़ी इनकी जो है लॉन्ग लास्टिंग है, प्लस इनकी फ्रेगरेंस काफ़ी यूनिक भी है। इनके ओरिजिनल परफ्यूम्स मैंने सर्च किए थे, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लाइक 24,000 या 28,000 के अराउंड इनके ओरिजिनल थे। ये बेशक उनकी कॉपी है या ड्यूप है, बट ये जो है काफ़ी अच्छे हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। आप इस तरह के परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करें और ये रीज़नेबल भी होते हैं, प्लस जो है आप पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं, आप इनको जो है कहीं भी लेके जा सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली भी होते हैं। नेक्स्ट टिप इज़ नेल पेंट्स, और नेल पेंट्स में आप जो है एक रेड कलर ले लें, जो आपके जो है इवेंट्स या जो हैवी ड्रेसेस होती हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा लगता है रेड कलर, या जो फिर आप जो न्यूट कलर्स होते हैं या कोई ड्रेस के मैचिंग वगैरह उस तरह के न्यूट कलर्स और पील ऑफ टाइप की जो नेल पेंट होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर लें। 2 से 3 कलर बाय कर लें और इनफ होते हैं वो, आप डिफरेंट स्टाइल्स में उनको जो है अप्लाई करें तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।